नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। शराब की बिक्री के खिलाफ भले ही सरकारी तंत्र उदासीन हो पर लोग त्रस्त है। यही कारण है कि लोगों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। गुस्सा लोगों ने शराब की अवैध बिक्री के विरोध में गोलबंद होकर सुपौल सदर बाजार के महावीर चौक पर घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि पुलिस महज खाना पूर्ति करती है, जिससे शराब के अवैध कारोबारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और ऐसे लोग मारपीट करते हैं। रोड का है जाम कर रहा है, मोहल्ला में दारू दिखता है, खाना खाया दूध में सुनवाई नहीं लिया। आप दारू वाली जितना दारू मोहल्ला में बिक रहा है, आप दारू वाली का घर घुस घुस के हम लोग को मारा गार दिया है। खाना जाता है यहाँ सर, दारू बेचता है, उसको जब मना करता है आके मारपीट करता है घर में महिला सबको। हम लोग है बाहर में काम करते हैं और घर में दारू भी फेंक देता है डर से। तो पुलिस आता पकड़ने के लिए दारू फेंक देता है उसके घर में और वही मारता है पीटता है घर में। दारू का बंद कराइए, सफारी का बंद कराइए, गरीब लोग कमा के खाए चाहे चुधाए के घर घुस का मारे चाहे संजय मुखिया से गलिए दस्तखत मांगे ले नहीं दल के गरीब लोग का घर घुस का मारे घर उसका है तुम्हारा संजय मुखिया खूब बचाता है, उसके पेट से दारू बेचता है। हाँ संजय मुखिया बचाता है। उधर मसौढ़ी पीएससी अस्पताल में डॉक्टर अंजू सिंह ने रोटा वायरस की खुराक बच्चे को पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि यह दवा पिलाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को डायरिया से बचाना है। यह दवा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुफ्त पिलाई जाएगी। आज जो है 3 तारीख को हमारे यहाँ रोटा वायरस वैक्सीन का इनॉग्रेशन है। ये हमारे पेशी मसौरी और बिहार सरकार के लिए गर्व की बात है कि हमारे रूटीन इमेशन में आज रोटा वायरस का ओरल जो है हम लोग लॉन्च किए हैं। रोटा वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कि डायरिया को ही करता है और रोटा वायरस का वैक्सीन जो है डायरिया से बचाएगा। तो डायरिया में जितने भी प्रकार की मृत्यु होती है उसमें 40% जो होने वाली मृत्यु है ये वैक्सीन जो है उससे बचाएगा। और ये प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। उधर राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी लोकसभा इलेक्शन के बाद अपने कृषि कार्य में व्यस्त हो गए हैं और साथ ही अपने ग्राम सीतामढ़ी के पकड़ी गांव में तालाब बनवा रहे हैं। आसी पकड़ी ग्राम के हम निवासी हैं, वहीं पर 5 एकड़ में हमने तालाब खुदवा रहे हैं, इसलिए कि वहां पे एक नदी है और चीनी मिल का पॉइजन भरा पानी छोड़ा जाता है। वो कीड़ा मछली क्या कीड़ा मकोड़ा भी मर जाता है, पशु को पानी पीने लायक भी नहीं रहता है, ना आदमी नहा सकता है। इसीलिए हमने 5 एकड़ में तालाब खुदवा रहा है जिसे वहाँ के जीव जंतु गाय भैंस आदि पानी पी सके और पानी का रीस्टोर हो सके, यानी बारिश के टाइम में जो व्यर्थ पानी चला जाता है वो हमारे तालाब में स्टोर हो सके, बाद में गर्मी के दिनों में इसका यूज हो सके। क्योंकि वहाँ पर बोरिंग भी करवा रहे हैं, पानी स्तर नीचे चला जाएगा तो हम बोरिंग चालू करके फिर से भरेंगे, जीव जंतु के लिए भरेंगे जिससे उसको राहत मिलेगा। और साथ में वहाँ से जो मछली निकलेगा जो 50 गांव में वहाँ पर मछली का मतलब ये करेंगे हम लोग बेचेंगे कम रेट पर, जिसे विटामिन ई ए मिलेगा पब्लिक को, जिसे बीमार भी कम पड़ेंगे, इसलिए हमने तालाब बनवा रहा है। उधर पीएमसीएच में अस्पताल का छत अचानक गिर पड़ा जिसमें 2 नर्स घायल हो गई। बता दें कि अस्पताल के मेडिकल इमरजेंसी विभाग का छज्जा गिर गया है, फिलहाल दोनों नर्सों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी विभाग की छत का छज्जा काफी दिनों पहले से टूटकर लटका हुआ था और बुधवार को अचानक गिर पड़ा। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये है पीएमसीएच की तस्वीरें, जहां पर
छज्जा गिरने से दो नर्स घायल हो गई है, जिनका इलाज वहां जारी है। राजद विधायक शिवचंद्र राम ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 12 साल में बीजेपी के 3 मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग चलाया है, लेकिन इन 12 सालों में डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई है, जो चिंता का विषय है। वहीं सदन में आने वाले सभी सदस्यों को आम का पौधा देने पर उन्होंने कहा कि आम बेचकर सरकार गरीब बच्चों का इलाज कराए। जनता पार्टी के सामने पूरे दोनों पैर को मोड़ कर करके हाथ जोड़ लिया हो, वो बिहार का भला क्या कर सकता है। अरे आप कैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं? आप किस चीज का बजट पेश करवा रहे हैं? कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा देश में अगर कोई पहली राज्य है स्वास्थ्य, बिहार जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो पैसा खर्च कर रही है तो आप डॉक्टर की बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ दिक्कत है? कौन दिक्कत कर रहा है? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, और इस तरीका की व्यवस्थाएं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, और आप हलफनामा डायर करके बिहार के लोगों को आप समझा रहे हैं। बिहार के लोग सब समझ रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपकी चलने नहीं दे रहा है, आपसे कुछ हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा कर देना चाहिए, हलफनामा डायर करने से कल्याण होने वाला आपका नहीं है। उधर दानापुर के ताराचक में कमरे से युवक और युवती का शव बरामद किया गया है। इस घटना में युवक फंदे से लटका हुआ है, जबकि युवती बक्से में बंद पड़ी मिली है। घटना की जानकारी के बाद घटनास्थल पर एएसपी अशोक मिश्रा अपने दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। मृतकों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या कर युवती को बक्से में और युवक को फंदे से लटका दिया गया है, और बाहर से ताला बंद कर दरवाजे के पास चाबी छोड़कर आरोपी फरार हो गया है। इस मामले में युवती के लव मैरिज करने की बात भी सामने आ रही है। यही वजह है कि युवती के परिजन भी शव को देखने तक नहीं आ रहे हैं, जबकि उसकी पहचान की जा चुकी है। हमारे घर में बैंक में रहने वाले के घर से बदबू आ रहा था, तो बदबू का उसका रिलेटिव को बताने गए कि भाई आप जिसके घर में रहते हैं बदबू आ रहा है, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बोला बदबू आ रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो हम दानापुर थाना गए, वहाँ से लोग आए और दरवाज़ा खोला गया, ताला बाहर से बंद था, उसको तोड़ने की कोशिश किया गया, लेकिन जब ताला तोड़ने गए तो ताला अजीब फंसा हुआ था और कुंडी बिल्कुल लगा हुआ था, जिसको इस तरह हमने खोला। खोलने के बाद देखे कि लड़का का लाश लटका हुआ है और लड़की का लाश बॉक्स के अंदर पड़ा है। कौन लोग थे ये? रेंटर था। कब से रह रहे थे? 1 महीने से रह रहे थे। क्या करते थे? तो टेम्पू चलाता था लड़का। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके अनुसार लड़का टेम्पू चलाता था और लड़की हाउस वाइफ थी। लाश में नहीं पता था, दो लाश है, और इसके बाद पुलिस ने आगे जो है वो शिनाख्त करनी शुरू की है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अभी पटना से एफएसएल की टीम आ रही है और इन्वेस्टिगेशन को काम से कुछ बताया जा सकता है। उधर पटना डीएम के आदेश के बावजूद कई पदाधिकारी और कर्मी प्रखंड कार्यालय मसौड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपना हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में मसौड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार का कहना है कि उपस्थित नहीं होने वाले चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जा रहा है। वो करेगा ना, उसमें तो टाइम लगता है ना, पाइप लाना पड़ेगा, बोरिंग करना का मशीन लाना पड़ेगा, इससे कोई कार्य बाधित होने की बात मुझे समझ में नहीं आती। ऐसा यही है कि जो कर्मी सह समय ऑफिस में नहीं पहुंच रहे थे, तो इसके कारण कम से कम ये जरूर है कि 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अगर सारे प्रखंड स्तरीय कर्मी एक जगह बैठ जाएंगे तो प्रखंड में होने वाली सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि हम लोग जब अटेंडेंस के लिए बैठते हैं तो सभी विभाग के पदाधिकारी रहते हैं और एक दूसरे विभाग से जो अपेक्षाएं हैं, जो हम लोग का इंटरेक्शन है, जो शायद विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं हो पाता है, तो वो 10 मिनट का टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वहीं अगर हम बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी में सरकार की निश्चय योजना इन दिनों अधर में लटकती जा रही है। निश्चय योजना अब अनिश्चित के कुजाल में फंस रहा है। ताजा मामला मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के भरारी चौक के समीप का है, जहां बेनीपट्टी उच्चौठ मुख्य सड़क के निकट से बेतौरा पंचायत के वार्ड
पांच से कचरा गांव को जोड़ने वाली जर्जर सड़क आज भी अपनी बदहाली पर रो रही है। इस सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से योजना स्वीकृत है। स्वीकृति मिलने के बाद संवेदक योजना स्थल के पास निर्माण संबंधित एक बोर्ड लगाकर महीनों से फरार है। कार्य के नाम पर अब तक वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि 20 वर्ष पहले तकरीबन 800 मीटर की दूरी में बनी खरंजा करंट का काम किया गया था, पर यह 3 से 4 वर्ष पहले ही टूटकर क्षतिग्रस्त होने लगा। वही खरंजा सड़क कई जगहों पर टूटकर बिखर चुकी है। शेष करीब 800 मीटर पर अब भी कच्ची सड़क से हजारों की आबादी को आवागमन करने की व्यवस्था बनी हुई है। सड़क में कई जगहों पर इतने विशालकाय गड्ढे हो चुके हैं जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं एसडीएम मुकेश रंजन ने बताया कि संबंधित पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर जल्द ही सड़क निर्माण की पहल की जाएगी। जिस साल पहले अच्छा उसके बाद मैंने साल भर से खरंजा टूटल छोटे मैंने जैसे और आगा खराबे करिए आगा तो यहाँ के परेशानी हुई है। हमारे बेटी पुतु मैंने जे जाइए मैंने जैसे कीचड़ में मैंने जैसे गाड़ी पलटी मारि दी छे, पलटी मारि दी छे, ठेला पलटी मारि दी छे, पैदल हमरा सबके जाय पड़ै है। जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, रोड खराब हो गया है। मैं यहाँ से जो है भराड़ी चौक से जाता तो स्टोरी टोला एक वहाँ तक जाता, कोई भी जाने में बहुत दिकदारी हो रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।